आज हम पपीता शेक बनाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा पौष्टिक फल है। पपीता शेक बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। पपीता के अंदर विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन ई बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऐसे में अगर हम पपीता शेक बना ले तो सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तो आइए पपीता शेक बनाना शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, रेखा सीरा किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम पपीता शेक बनाएंगे, तो आइए पपीता शेक बनाना शुरू करते हैं। पपीता शेक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2 कप पपीता के क्यूब्स काट कर लिए हैं। जूस में डालने के लिए 1 गिलास दूध लिया है। 8 से 10 आइस के क्यूब्स लिए हैं। जूस में फ्लेवर के लिए यहाँ पर मैं स्ट्रॉबेरी का आइसक्रीम ले रही हूँ। यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स के टुकड़े हैं और 5 से 6 चम्मच चीनी लेंगे। जूस बनाने के लिए यहाँ पर ग्राइंडर जार लेंगे, इसके अंदर पपीता के टुकड़े डाल देंगे। अब चीनी को डाल देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ले सकते हो। आइस के क्यूब ऐड करेंगे और अब इसमें हम थोड़ा दूध मिलाएंगे। बाकी बचा हुआ दूध हम इसको पीसने के बाद ऐड करेंगे। अब मिक्सर जार का ढक्कन बंद करके और इसको ग्राइंड कर लेंगे। सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब बचे हुए दूध को भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम फिर से एक बार ग्राइंड कर लेंगे। अब जूस के अंदर फ्लेवर के लिए स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम के 2 छोटे पैकेट डाले हैं। आइसक्रीम डालने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए ग्राइंड कर लेंगे। पपीता शेक बनकर तैयार है। अब हम पपीता शेक को सर्व कर लेंगे। अब जूस के ऊपर थोड़ा गार्निश कर लेंगे। पपीता शेक बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। ये बहुत ही ज्यादा पौष्टिक फल है। पपीता के अंदर विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन ई बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। पोटेशियम और फाइबर भी भरपूर मात्रा में होता है। पपीता हम सभी लोगों को जरूर खाना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आता है और बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे में अगर हम पपीता शेक बना ले तो सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। एकदम मार्केट के जैसा और बहुत ही शुद्ध और टेस्टी पपीता शेक जूस बनकर तैयार है। ये जूस हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक है। जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो डॉक्टर भी उसको पपीता का जूस या फिर पपीता खाने के लिए सजेस्ट करता है। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक देकर जाएं और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।